तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है सैमसंग B313 का माइक का सोल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है लगाने के बाद भी, तो आप लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हो जम्पर करके। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, माइक यहां पे लगा लेना है आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने माइक लगा लिया हूं, तो माइक लगा लेने के बाद भी वहां पे वर्क नहीं कर रहा था, आप लोग जम्पर करना है कहां से कहां, मैं आप लोग दिखा देता हूं। तो ये जो आप लोग कैपेसिटर दिख रहा है, तो इसके जो नीचे वाला साइड है उस पर आप लोग जम्पर लगाना होगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये कैपेसिटर है, तो इसके जो नीचे वाला पॉइंट है इस पे आप लोगों को एक जम्पर लेना है, और यहाँ से एक जम्पर लेके प्लस वाले पे जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका प्लस का। इस तरीके से आप लोग करना है, माइक लगाने के बाद जम्पर वायर से कर देना है। उसके बाद सेकेंड जम्पर जो, तो मैं फिर से दिखा दूँ ज़रा, ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, और इस नीचे वाले पॉइंट से प्लस पे एक जम्पर कर देना, आपका एक सप्लाई चालू हो जाएगी। सेकेंड आप लोगों को ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, इसके भी नीचे वाले हिस्से से, इसके नीचे वाले हिस्से से माइनस मिला देना। तो जब आप ये दोनों जम्पर कंप्लीट कर दोगे, तो आप लोगों की सप्लाई चालू होना चालू हो जाएगी, और आप लोगों को जो है माइक वर्क करना चालू हो जाएगा। अगर आपको पता करना है कौन सा सप्लाई नहीं आ रहा है, तो जस्ट आप लोग, मैं जो जम्पर बता रहा हूँ वहाँ आप लोगों को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। इसका मतलब है कि आपका सप्लाई चालू है, अगर रीडिंग नहीं आती है तो जम्पर कर देना, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको जम्पर कर दो, माइक काम करना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ सिंपल सा जम्पर है फ्रेंड, और 100% वर्किंग है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।